हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको धीरज बनाकर बताऊंगी। हंसते हैं तो ममता के संग घर बसते हैं। हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ममताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। आज मैं आपको 1 किलो घी राइस का चावल बनाकर बताऊंगी। घी राइस इतना टेस्ट है कि बच्चे सब घर में खा लेंगे। आइए मैं उसकी सामग्री बताऊंगी। देखिए ये मसाले हैं उसके, ये है बाउल में, ये देखिए कटोरी में जो मसाला है, ये मसाला जो है देखिए, इसमें अदरक 2 स्पून है, लहसुन 2 स्पून, इसका पेस्ट है, ये सब पेस्ट कर लीजिए। और इसमें चकला थोड़ा सा है जो पट्टा बोलते हैं, और हरी मिर्ची है, ये इलायची है, ये पूरा मिलाकर पीसना चाहिए जार में। देखिए इसका पेस्ट ऐसे लगेगा, इसमें महक बड़ी अच्छी आ रही है। और ये है प्याज, ये प्याज बघार में डालना है, प्याज है ये। और यह है गाजर, गाजर थोड़ा बाद में डाल लेना, मैं बताऊंगी। टमाटर है, पुदीना है, पुदीने के पीसेस काट, पुदीना काट कर पीसेस बना लेना चाहिए। और ये है कैप्सिकम, और थोड़ा घी, अच्छा वाला घी ले लीजिए। वैसे तो इसके घी राइस के लिए अच्छा घी डालते हैं, मैं तो वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। और ये घी थोड़ा सा ऐसे स्पून में रख लीजिए। यह है नींबू, नींबू इसका रस काट लेंगे, ये बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसका मैजिक बाद में बताऊंगी मैं। तो आइए मेरे संग घी राइस बनाकर बताऊंगी। देखिए दोस्तों, तेल डाल दी हूँ मैं इस बर्तन में, 1 कटोरी तेल, यानी कि ऐसे 4 चम्मच, ये देखिए चम्मच, ऐसे 4 चम्मच तेल डाल दी हूँ मैं 1 किलो चावल के लिए। अभी इसमें डालेंगे हम प्याज, तेल गर्म हो गया है, प्याज देखिए, प्याज की कुरकुराहट कितनी अच्छी लग रही है आवाज़। यह है प्याज, ज़्यादा इसको नहीं ब्राउन होने देना, जैसे बिरयानी को ब्राउन होने देती, ये घी राइस के लिए ब्राउन नहीं होना दें। अभी इसमें हम पुदीना डाल देंगे, आधा पुदीना डालेंगे, आधा पुदीना रख लीजिए, बाद में डालना है इसके खुशबू महक के लिए। अभी हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, लौंग, चकला, इलायची का पेस्ट डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, ये देखिए फ्राई हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे करके फ्राई होने दीजिए। इसको कलर नहीं डालना, हल्दी नहीं डालना, ये घी राइस है। और थोड़े ऐसे भी बनाते हैं कि जो भी ड्राई फ्रूट है वो ड्राई फ्रूट तलकर डालते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती है इसमें, ये प्लेन सिंपल है, हेल्थी है, ये ड्राई फ्रूट भी हेल्थी ही है, लेकिन अभी सिंपल प्लेन सा बना रही हूँ। ये चटनी के साथ, खोपरे की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, या ऐसे भी बैठकर खा सकते हैं। देखिए देखिए, अभी मैं ये चावल जो भिगा हुआ था, चावल 1 घंटा पहले भिगा कर रखी थी मैं, ये चावल डाल रही हूँ अभी। ये ऐसे ऐसे करके पूरा डाल दीजिए, वरना वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं करना, रिजर्व है। देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे, अभी हम इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं, कम ही डाली, 1 स्पून, देखिए 1 स्पून नमक, चाहे तो आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, लेकिन 1 स्पून डाल के हूँ मैं। ऐसे ऐसे घुमा के थोड़ा सा टाइम, देखिए ऐसे ऐसे, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी क्या डालना है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद में अब हम इसमें गाजर, गाजर और टमाटर, ये दो भी डाल दें, इसको अच्छा तरह से ऐसे घुमा लें, चावल फूटना नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा कर ऐसे। ये जब भी आप टूर पे जाते हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से इसको गरम गरम पानी डालने से ये ख़राब नहीं होता, जल से एक दिन आराम से आपके पास आराम से रह जाता है, या यूँ समझो कि आज दोपहर में पका लिए 12 बजे, तो दूसरे दिन 12 बजे तक आराम से रहता है। इसकी एक सीक्रेट बात क्या है, इसको नमक करेक्ट हिसाब से डालना है, और पानी, गर्म पानी ही डालना, पकता हुआ पानी गर्म डालना है। जैसे ये गर्म पानी है, इधर देखिए, देखिए दोस्तों ये गर्म पानी है, इतना गर्म, ऐसे गर्म, तो ख़राब नहीं होगा, अच्छा फ्रेश सा रहेगा। ये देखिए 1 किलो को मैंने इतना, अगरचे आप 1 किलो चावल यानी कि 4 गिलास चावल ले रहे हो, तो 8 गिलास पानी डालना है, बराबर से बिल्कुल ठीक रहेगा, और फरारा अच्छा सा
ताजा ताजा अनार के दाने जैसे आपको लगेंगे, चावल के दाने। देखिए अभी हो गया बराबर। अभी थोड़ा सा साल्ट डाल दूंगी, पहले साल्ट कम डालना, बाद में थोड़ा साल्ट डाल लेना, क्यों बोले तो चावल ज्यादा साल्ट पी लेता है, इसीलिए अभी आप डाल सकते हो। देखिए ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा पकने दीजिए, फिर मैं मिलूंगी आपको कि इसके अंदर क्या डालना है सीक्रेट। ये देखिए दोस्तों मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये 75% पक गया है। अभी हम इसमें नींबू रस डालेंगे, लेमन जूस, अभी पुदीना डालेंगे, जो मैं रख ली थी आधा पुदीना वो डालेंगे। अभी इसमें हमने देखिए ये है घी, ये घी इसमें नहीं डालना, सीधा डायरेक्ट इसकी के अंदर डालना। ये कैप्सिकम को अच्छी तरह से ऐसे अच्छी तरह से मिलाना, कैप्सिकम में डालना है, कैप्सिकम के पीसेस हैं ये, शिमला मिर्च के पीसेस, इसमें घी डालकर अच्छी तरह से इसमें मिला लिए अच्छी तरह से घी। अब ये ऊपर डालना है थोड़ा इसका कैप्सिकम का करंची करंची टेस्ट जबान में आना तो अच्छा लगेगा, इसीलिए लास्ट में डालना है, पहले डाल देंगे तो इसका करंची टेस्ट जो है वो चला जाता है, टेस्ट नहीं लगेगा जबान। अभी इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, नहीं तो सिलो, बस ऐसे सिलो करके बस इसको ढक दीजिए, फिर 10 मिनट के बाद मिलूंगी मैं आपसे। ये देखिए दोस्तों घी रस तैयार है अभी खाने के लिए, मैं जो बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो कीजिए, बहुत मज़ेदार होगा, इसको सालन की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा अचार रख लेंगे तो खाना खाया जाएगा आराम से, बच्चे भी खाएंगे पसंद से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा मोती जैसे दाने। और मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा। मुमताज़ के संग हंसते रहें तो घर बसते रहें। थैंक यू डियर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।